हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को वन शॉट करके ख़त्म कर दें क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि ये जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए, केमिकल से तो आपको पता ही है हमारी केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सब बनेगा। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब भी आप फिजिक्स में जानते हैं क्या होता है, कि किसी चीज़ का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। ठीक है, जैसे आप, अगर मैं बात कहूँ, आप पढ़ते हैं स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड क्या है, पोजीशन का चेंज होना, पोजीशन का चेंज होना समय के साथ साथ, dx/dt। और जब आप इसमें क्या करते हो, जब आप इसमें डायरेक्शन को बताते हो तो ये वेलोसिटी बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन समझना चाहो तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि dv/dt, वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, किसकी बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ें होंगी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, a+b से c बन रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो जो a की कंसंट्रेशन है वो घटेगी और जो c की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, या अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मान लो, तो c की कंसंट्रेशन हो सकता है घटे, ab की बढ़े। ठीक है, यानी एक केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, समय के साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, वो चीज हम डील करते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अब इसमें एक चीज पॉइंट नोट करने वाली बात है जो यहां पे मैंने लिखा है कि हम इसमें ऐसी रिएक्शन लेते हैं, ऐसी रिएक्शन के काइनेटिक्स को हम मतलब नापते हैं जो ना कि बहुत तेज हो, बहुत तेज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इसमें वो रिएक्शन कंसीडर करते हैं जो मॉडरेट रेट पे होती है। ज़्यादा तेज जो रिएक्शन होती है उसे भी नहीं लेते और ज़्यादा स्लो होती है उसे भी नहीं लेते। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो आप समझिए सबसे पहले रेट का मतलब। रेट का मतलब आपको पता है क्या होता है, dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज का चेंज होना। क्या होना, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज का चेंज होना। यहां पे लिखा है रिएक्शन, रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट घटेगा या प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी कंसंट्रेशन का सारा खेल होगा, या तो कंसंट्रेशन घटेगी या कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या बताएगा कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है एवरेज, जिसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की, कि एवरेज होता क्या है। मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जहां पे ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, और चेंज इन टाइम, कितने टाइम इंटरवल में वो चेंज आया है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 50 ग्राम ए था, ठीक है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा उसने और 30 ग्राम ए बचा, और ये कितनी देर में हुआ, 30 मिनट में हुआ ऐसा। ठीक है, तो यहां पे देखो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी तो वहां पे टाइम 0 माना हमने, 30 मिनट बाद, यानी t 30 मिनट पे हम देख रहे हैं कि 50 ग्राम ए में से 30 ग्राम ए ही बचा। तो मेरे को क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, 50 को 30 से माइनस कर दोगे, ठीक है, कितना चेंज आया, 20 ग्राम का चेंज आया, 50 में से 30 माइनस कर दिया, 20 ग्राम का चेंज आया। ठीक है, टाइम, टाइम में कितना चेंज आया, यहां पे 0 था, यहां पे 30 था, तो 30 माइनस 0 करोगे तो 30 मिनट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, अपॉन में फाइनल टाइम क्या है, और
इनिशियल टाइम क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन को याद रखना, जो कंसंट्रेशन है उसे हम यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो ऊपर रिएक्शन मानी थी मैं वही ले रहा हूं कि ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा ए यानी स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, यानी ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ में। ये माइनस क्यों लगाया है मैंने, अभी बताता हूं, ठीक है। ये फिर हम क्या बी के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन में भी तो कुछ चेंज आ रहा होगा, ठीक है। सी की कंसंट्रेशन में भी कुछ चेंज आ रहा होगा, तो उसके लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। डी की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन मतलब उसके लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे हम नेगेटिव का मतलब समझते हैं कि नेगेटिव है क्या। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। नेगेटिव साइन जो है यहां पे वो ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करेगी समय के साथ साथ। क्यों? अब देखो, मानो जैसे मान लो मेरे पास एक 10 मीटर का ये कपड़ा है, क्या है ये 10 मीटर का एक कपड़ा है, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, इस 10 मीटर के कपड़े से रुमाल बनाने हैं, ठीक है। और रुमाल का साइज 1 मीटर का होना चाहिए, वैसे कपड़े को स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर का मेरे पास कपड़ा है और मेरे को 1 मीटर स्क्वायर का रुमाल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पीस को काटूंगा, ठीक है। पहला रुमाल बनाऊंगा तो यहाँ पे 9 मीटर स्क्वायर बचेगा, दूसरा रुमाल बनाऊंगा तो 8 मीटर स्क्वायर बचेगा, तीसरा बनाऊंगा तो 7 मीटर स्क्वायर बनेगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, रुमाल, रिएक्टेंट क्या है, ये कपड़ा, तो जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। तो ये नेगेटिव साइन इसी चीज को बताता है कि जो समय है, जो टाइम है, उसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी डिक्रीज होगी। इसीलिए देखो मैंने नेगेटिव साइन सिर्फ रिएक्टेंट में लगाया है, प्रोडक्ट में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले तो एक भी रुमाल नहीं था, बाद में एक रुमाल बना, फिर दो रुमाल बने, फिर तीन रुमाल बने, यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगा रहे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की। तो देखो हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन का चेंज होना समय के साथ साथ, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है, मोल पर लीटर। अगर मैं नीचे टाइम लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, यानी कोई रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में हो रही है, लेकिन अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है, क्या बोला मैंने, मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है। अब आपको पता है गैसियस रिएक्शन में हम जो चीज मेजर करते हैं वो होता है प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर के टर्म में बात करूं, तो प्रेशर के टर्म में सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए के प्रेशर में, ए जो हमारी गैस है उसके प्रेशर में कितना चेंज आया टाइम के साथ, बी जो गैस है उसकी प्रेशर में कितना चेंज आया टाइम के साथ, ठीक है। इसी तरीके से सी और डी के लिए भी लिखेंगे। जब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकंड, अगर हम प्रेशर के टर्म्स में बात करें तो। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया। अब हम एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में जैसे मान लो ये ए रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट। जो आपने किस में पढ़ा है, क्लास 11th, याद करो स्टोशोमेट्रिक कैलकुलेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये ए बी सी डी क्या है, स्मॉल वाले स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट है। एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे आप देखते हो कि H2 प्लस I2, ये दोनों क्या गिव करते हैं, 2HI, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब यहां पे कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 मानते हैं, ठीक है, और यहां पे तो 2 लिखा ही हुआ है। तो ये जो हमारे 1, 1, 2 हैं, ये हमारे क्या हैं, स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट है, ठीक है। तो ए बी सी डी ये हमारे क्या हैं, स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट है। जब किसी रिएक्शन में स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट आ जाए और हमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो,
क्या हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले सिंपल, जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी को उसके स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे, 1/a हो गया। इसी तरीके से बी भी देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम, फिर बी के स्टोशोमेट्रिक कोफिशियंट से डिवाइड कर दिया, सेम एज सी और डी के केस में होगा। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, आर के डिसअपीयर होने का क्या रेट है। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है गायब होना, गायब होना। अब देखो कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट घट रहा है, तो रिएक्टेंट एक तरीके से गायब ही तो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डिसअपीयरेंस की बात करता हूं तो वो हम रिएक्टेंट के लिए हमेशा यूज करेंगे, और अगर मैं अपीयरेंस, जैसे यहां पे देखो मैंने अपीयरेंस यूज करा है, अपीयरेंस का मतलब होता है किसी चीज का समय के साथ साथ दिखना, ठीक है, एक्सपोज होना, तो वो होता है हमारा क्या, वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। तो अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना चाहता हूं तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम, वहां पे स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ठीक है, और आपसे बोले कि इसमें ए का फाइंड करो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो आप फॉर्मूला तो यही लिखोगे, रेट ऑफ डिस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहले पूरा 1/a रिएक्टेंट है तो माइनस, फिर यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो, अब मेरे को बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो यहाँ पे कोफिशियंट को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने बता दिया, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस बता दिया मैंने, और अगर मैं डी के जो हमारा प्रोडक्ट है उसके टर्म्स में बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो ये होगा। ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया कि जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं, लेकिन वहां पे जो टाइम इंटरवल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, टाइम इंटरवल बड़ा होता है, कंसिडरेबल अमाउंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। और जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो सारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज है। ठीक है, क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। यहां पे ये मैंने डी लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखना होता है तो तब हम उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, क्रिकेट देख रहे हो आप, ठीक है, और उसमें मान लो पहले ओवर में बने 2 रन, दूसरे ओवर में बने 3 रन, और फिर जो नेक्स्ट ओवर आया उसमें बने हमारे 10 रन। ठीक है, 3 ओवर में कितने रन बन गए, टोटल 3 ओवर में जो रन बने वो थे कितने, 3 × 2 = 5 = 10 = 15 बने। अब आपका एक यार आया, आपका मित्र आया, आपका दोस्त सखा जो भी बोलना चाहो आया, ठीक है, तो उसने बोला भाई स्कोर क्या हो गया, आपने बोला 3 ओवर में 15 रन बने हैं। ठीक है, तो वो अपने मन में कैलकुलेशन करेगा कि 3 ओवर में 15 रन बने हैं, यानी कि एक ओवर में 5 रन बने हैं। ठीक है, तो ये जो उसने कैलकुलेशन करी ना, इसे हमने नाम दिया एवरेज। क्या नाम दिया, एवरेज, क्योंकि आप देखो किसी भी ओवर में 5 रन बने हैं नहीं, लेकिन उसने जो माइंड में कैलकुलेशन करा वो आ रहा है 5। ठीक है, यानी उसने एवरेज निकाला है, ये क्या निकाला है, एवरेज रन रेट निकाला है कि एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं, तो एवरेज कितना आ गया, 5 रन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तो आप बोलोगे एक पर्टिकुलर टाइम बताओ, मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट एट सेकंड ओवर में कितना है, तो आप बोलोगे 3 रन क्योंकि उसमें 3 ही रन आए हैं। मैं बोल रहा हूँ तीसरे ओवर में कितना है, आप बोलोगे 10 रन क्योंकि उस तीसरे ओवर में 10 ही रन आए हैं। ठीक है, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम ले तो इंस्टेंटेनियस, और जब एक थोड़ा लॉन्ग टाइम इंटरवल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। ओके, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
मैंने बताई दिया रेट ऑफ रिएक्शन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, इसका मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो जिस तरीके से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ फर्क क्या होता है यहाँ पे, वहां पे आपने अगर देखा हो थोड़ा बैक करके देख लेना, वहां पे मैंने डेल्टा लिखा था, यहां पे मैंने डी लिखा है। डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को और डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को। तो ये फर्क है, बाकी रिप्रेजेंटेशन सेम होती है। अब बात आती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसे निकालेंगे कैसे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कैसे करेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको या तो वो ग्राफ दे देगा या फिर कुछ वैल्यू दे देगा जिसकी मदद से आपको ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस रिएक्शन का एक ग्राफ बना लोगे, जैसे यहां पे मैंने ये बना लिया है, ठीक है। अब वो मेरे से कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ मेरे को क्या होगा। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी पे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आप सबको पता है टेंजेंट फिजिक्स में पढ़ चुके हो। टेंजेंट ड्रॉ करा मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अब आप क्या करोगे, इस टेंजेंट को ले जाके एक्स वाई प्लेन पे जोड़ दो, ठीक है। यहां पे कंसंट्रेशन है, यहां पे क्या है, टाइम है, मैंने जोड़ दिया। अब ये जो टेंजेंट मैंने पास करी है इस पॉइंट से करी है, तो क्या मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर मैं बी पॉइंट पे बात करूं तो वो होता है टेन थीटा, ठीक है। स्लोप जनरली क्या होता है, टेन थीटा होता है, ओके। अब टेन थीटा तो हो गया, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यही तो होता है टेन थीटा। तो अगर देखो ये पूरा एक ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हो शायद, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये करा, ये करा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी टू माइनस सी वन, क्योंकि यही इतना ही तो मैंने परपेंडिकुलर माना है, तो ये क्या हो जाएगा, सी टू माइनस सी वन, और टाइम मैंने बेस इतना माना है तो टी टू माइनस टी वन, तो टेन थीटा ये आपका आ गया, सी टू माइनस सी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। सो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना रेट लॉ, कि ये होता क्या है, ठीक है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एक्सपेरिमेंटली फाउंड इट इज कॉल्ड रेट लॉ। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं, कि ठीक है किसी डेटा का यूज नहीं करते, एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको यूज करके वहां से जो डाटा आया वहां से हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। इसे हमेशा एक्सप्रेस करा जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। रेट लॉ को हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करा जाता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, यहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं ली जाती है, याद रखना, ठीक है। अब जैसे मेरे को रिएक्शन दी है कि ए बी मिलके सी डी बना रहे हैं, ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो यहां पे सिर्फ ए और बी की कंसंट्रेशन आएगी, सी और डी की कंसंट्रेशन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने बोला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो यहां पे जो रेट लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की कंसंट्रेशन के, उसकी कुछ पावर होगी अल्फा, और बी की कंसंट्रेशन की, उसकी कुछ पावर होगी बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा और बीटा अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अल्फा और बीटा पे उतना ध्यान मत दो, सिर्फ ये याद रखो कि ए की कुछ पावर होती है, बी की कुछ पावर होती है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपको पता है कि कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट आता है के बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम क्या होता है, रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम, और इसे हम स्पेसिफिक रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखना, कोई भी नाम पेपर में पूछ लेता है, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलो अल्फा और बीटा की थोड़ी बात कर लें, अल्फा बीटा होता क्या है,
ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, अल्फा क्या है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब ये या तो ए के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, या तो ए के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, ओके। इसी तरीके से बीटा की बात करें तो बीटा भी क्या होगा, या तो बी के बराबर होगा, ठीक है, या फिर उसके उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये तो अल्फा बीटा हमने बात करी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अल्फा प्लस बीटा की बात करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा हमें बताता है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताता है, ठीक है। अब अगर अल्फा प्लस बीटा का सम जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम कहते हैं अल्फा और बीटा का सम वन आ रहा है तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम कह रहे हैं अल्फा और बीटा का सम टू आ रहा है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से थ्री आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक मीनिंग समझो कि ये रेट लॉ हमें बताता क्या है। ये रेट लॉ हमें बेसिकली ये बताता है कि मान लो मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, उसमें मैंने रिएक्टेंट डाल दिया, क्या करा, रिएक्टेंट डाल दिया। अब मेरे को इसका क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो ये बताता है कि ये जो रेट है इस रिएक्शन का, ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, मान लो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी कितनी पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी पावर पे डिपेंड करता है। तो पावर को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आप समझना चाहो तो। जैसे यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, किसी की पावर का मीनिंग क्या होता है मैथ में आपने पढ़ा, वन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उससे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। बाकी से अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे फर्दर कि क्या कैसे होता है, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है रेट लॉ का, कि ये हमें ये बताता है कि जो भी कंसंट्रेशन है ये उसकी पावर पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। बात करें अगर वन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन की एक पावर पे डिपेंड कर दे रहा है, यानी अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन को तीन गुना करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन तीन गुना हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि जो रेट है रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन की टू पावर पे डिपेंड करता है। टू पावर की डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर मैं रिएक्टेंट को दो गुना करता हूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चार गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टू टाइम्स है, ठीक है, स्क्वायर कर देना उसका। अगर मैं कहता हूं मैंने रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है रिएक्शन का उसको तीन गुना उसकी कंसंट्रेशन कर दी तो रेट कितना बढ़ेगा, रेट हो जाएगा नाइन टाइम्स, ठीक है। इस ये मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, सॉरी रेट लॉ का। सो अब हम क्या डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बात करी कि मान लो दो रिएक्टेंट है ए बी, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो वन के बराबर आ रहा है, तो इसमें हो सकता है ये हाफ हो ये भी हाफ हो, ठीक है, हो सकता है कि ये माइनस टू हो सकता है ये, सॉरी ये प्लस टू हो ये माइनस वन हो, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और ये एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के डायरेक्ट ये नहीं बता पाओगे कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली हम पता करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, हम ये मानते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं हमारी, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, अब ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो जाएं, जैसे ए से डायरेक्ट बी बन गया, ठीक है, ऐसी जो रिएक्शन होती है ना हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम ये मानते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो अल्फा और बीटा होता है वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां लिखा है 2a प्लस 2b, तो हम मान लेंगे कि ये अल्फा है ये बीटा है, किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ठीक है।
देखो यहाँ पे बताया भी मैंने कि जैसे अगर 1a प्लस 2b 5c गिव कर रहा है तो अल्फा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ओके ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट को हम किस किस नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना आप। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है रेट कांस्टेंट की। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, अगर मैं ये जो कंसंट्रेशन है इसको 1 मान लूं, यूनिटी का मतलब होता है 1 मान लूं, तो जो के है, जो के है हमारा यानी रेट कांस्टेंट है हमारा, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। नाम पता चल गया स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर देता हूं तो जो के है, जो रेट कांस्टेंट है, वो किसके बराबर आ जाएगा, रेट लॉ के, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। ओके, हायर द के हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे के का सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के। ठीक है, जितना ज्यादा के होगा किसी भी रिएक्शन के लिए उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और जितना कम के होगा उतना धीरे, मतलब उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना के का सिग्निफिकेंस बहुत बार पूछा जाता है। यूनिट क्या होती है के की, के की यूनिट कैसे निकालोगे? देखो क्या कैसे निकालेंगे हम, एक तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, देखो मोल पर लीटर 1 की पावर माइनस एन पर सेकेंड, ये एक जनरल फॉर्मूला है। क्या है? जनरल फॉर्मूला है के की यूनिट को फाइंड करने का। अब आप पूछोगे यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है एन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ, चलो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, कि अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पे अगर ये जीरो हो गया तो एन की जगह जीरो रख दो तो 1 - 0 1 ही रहेगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो वही आई है। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी देख सकते हो। तो जो जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखोगे तो वहां पे n की जगह 1 रख दोगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा मोल पर लीटर, ठीक है, 1 की पावर n पर सेकंड। तो यहां पे जब आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखोगे तो n 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, किसी की पावर 0 1, तो यहां पे जो यूनिट आ जाएगी पर सेकंड आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। अब हम बात करते हैं K यानी जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है TCS पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर पे। ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट मैंने लिखा है, और स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, सॉरी यहाँ पे कैटलिस्ट आएगा। ठीक, वही मैं कहूँ, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ कैटलिस्ट आएगा। जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करता है, बाकी सब आपके काम के नहीं है। तो देखो दो तरीके के रेट कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, एक तो पूरी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, ठीक है, उसे हम के लिखते हैं, और एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल की रिएक्टेंट की भी तो कुछ पावर थी, अल्फा याद हो इंडिविजुअल ए की थी, बीटा याद हो इंडिविजुअल किसकी थी? बी की थी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मैंने पूरी रिएक्शन का कहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से रेट कांस्टेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है के जो पूरी रिएक्शन का होता है, और एक और रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए होता है। जैसे आप यहां देखो मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं स्पेसिफिक ए के लिए रेट कांस्टेंट लिखना चाहूं तो उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा के ए से, तो के ए क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए। के बी क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बी। के सी क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट डी। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, बहुत गलतियां कर रही है यार,
यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेना सारे, ठीक है। और इस नोट्स का पीडीएफ जो दूंगा उसमें भी करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, अब मेरे को बात करना है, क्या बात करना है कि मेरे को पूरी रिएक्शन का लिखना है, तो कैसे लिखूंगा। तो पूरी रिएक्शन का देखो ऐसा होता है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट का रेट कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट। इंडिविजुअल रिएक्टेंट का जो रेट कोफिशियंट है उसको उसी के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगर आपको KB का दिया है तो KB अपॉन B का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, C का रेट कॉन्स्टेंट दिया है तो KC अपॉन C का कोफिशियंट, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आप यहां देखो, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा एक इंडिविजुअल रेट कॉन्स्टेंट है, एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट का या एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रेट कॉन्स्टेंट है, वो क्या है, वो ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट और उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहां पे देखो वही चीज लिखी है मैंने, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन। जो रेट कॉन्स्टेंट है एक रिएक्टेंट का या उस या प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ये वो रिएक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। किसके, एक तो उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के और दूसरा पूरी रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट के, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। सो अब हम एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी, और उसके बाद इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। व्हाट इज मॉलिकुलैरिटी, मॉलिकुलैरिटी है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर सो दैट केमिकल रिएक्शन कैन अकर। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं यानी लड़ रहे हैं ताकि हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिले या हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिले, उसी को हम बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है, या ये दो एटम हैं, या ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसी नंबर को हम बोलेंगे, ये दो पार्टिकल हैं तो इसी नंबर दो को हम बोलेंगे मॉलिकुलैरिटी, ओके, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में होती है मैंने बता दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वो बराबर होगा उसकी मॉलिकुलैरिटी के, यानी जितने मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे होंगे वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। आगे और देखते हैं कैसे है ये बात। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन स्लोएस्ट स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं। क्या बोला मैंने, ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूँ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का, जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन स्लोएस्ट स्टेप। मान लो कोई नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है वो बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, ये एक पूरी रिएक्शन है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो अगर आपको इसका ऑर्डर ऑफ, इस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो देखो स्लोएस्ट स्टेप में कितनी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। अब मैं मॉलिकुलैरिटी आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि मॉलिकुलैरिटी होती क्या है, एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे रखा है, अगर आप एनसीईआरटी रीड करो तो। तो देखो मान लो जैसे H2 प्लस I2 मिलके क्या करते हैं, 2HI बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, एक मॉलिक्यूल आयोडीन का है, तो यहाँ पे जो मॉलिकुलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो
यही बात होती है मॉलिकुलरिटी की। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो हमने टॉपिक पढ़े आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।